हुजूर आलम सकलेन ने फरमाया कि छह बातों की जमानत दो, मैं जन्नत का तुमको जमानत दूँ। क्या है? बोलो तो सच बोलो। पहला सवाल यही है, बोलो तो सच बोलो। दूसरा है कि वादा करो तो वफा करो, नहीं तो वादा मत करो, अहद को तोड़ना नहीं है। नंबर तीन, जना का जुर्म नहीं करो कभी नहीं। नंबर चार, आपका कहीं भी किसी तरह में किस हाल में भी हो, ईमान पर आप कायम रहे। नंबर पांच, जुल्म ना करो ना जुल्म को सहो। नंबर छह, अल्लाह को जानो अल्लाह को मानो, और अल्लाह को यानी हक को जानो हक को मानो हक पर चलो। हम ये छह बातों की जमानत दीजिए, ना तो इसमें रोजा है ना नमाज है ना हज है ना जकात है। तो ये गौस पाक ने जो फरमाया तो क्या गलत फरमाया? कभी नहीं। उन्होंने ये बात इसलिए कहा कि बाकी सब जो फराइज है तो होते रहे, फराइज अलग चीज है, फराइज निभाना ये अलग बात है, लेकिन ये जो बातें हैं, ये लगती हुई बातें, ये ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में हर वक्त इसका जरूरत है। बोलना है तो किसे बोलना है, वादा आप करके फिर जाते हैं, और भी जितने भी हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सब बातों पर ध्यान रखा जाए। जिस तरह से पुराने हकीम में जो बातें आई उसको हम जानना है, पहली बात। दूसरा है कि वादा करना है तो वादा पर कायम रहना है, अन्य तो वादा मत कीजिए। तीसरा यह है कि आपको जो जना का जुर्म नहीं करना है। आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हक को जानना है, हक को मानना, हक पर चलना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के लिए आना पड़ेगा कि जानिए किसे भाई हक को बगैर आप अपने आप लोग फहम से नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकते, जब तक के आपको उसका ही नहीं मिलेगा राहबर आप राह पर नहीं चल सकते। ये शुरू से होते आया है अपने अपलो फहम से, इसलिए कि आपका जो अपलो फहम है उस पर एक बहुत गहरा बादल छाया हुआ है। वो छाया हुआ इसलिए है कि सूरज की जो रोशनी है वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है, पहुंचने ही नहीं देता है। तो बादल जब छटेगा तब वो रोशनी पहुंचेगा, और छटावेगा कौन? तो बादल को छटाने वाले लोग यही है, वही छाया। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अभी जिनका शादी भी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ईमान पर कायम है और रहेंगे ऐसा लगता है, और इसमें बहुत जल्दबाजी भी करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तुम बच्चा या नौजवान को मुरीद करने की क्या जरूरत है, पगला थे इसमें तो कहता है जल्दी करो, दुनिया का सारा काम में आप देर कीजिए लेकिन इसमें आप जल्दी कीजिए। इसलिए कि मखदूम अल मुल्क सरफुद्दीन क्या मनेगी, 15 साल की उम्र में 19 साल में जाकर के वो सबसे पहले अपना जाकर के नजीबुद्दीन फिरदौसी से बैयत हो गई। 19 साल में सब कुछ पा लिया, यानी मखदूम अल मुल्क सरफुद्दीन नजिया बने 19 साल की उम्र में अपने पीर की तलाश में निकल गए थे और उनको पा लिया, और उतने दिनों में उन्होंने तमाम शरीयत के इल्म को हासिल कर लिए थे। लेकिन अभी जो है लोग 50 साल भी हो गया लेकिन अभी जो है एक बढ़िया से सूरा नहीं याद आता, या उसमें भी कुछ लफ्ज़ है या कुछ उसमें गड़बड़ी। अरे भाई एक सेंटेंस आप बढ़िया से याद कीजिए ना, कोई जरूरी जल्दबाजी क्या है, आप बेहतरीन से उसको अदा कीजिए जहाँ तक हो सके, बाकी तो माफ करने वाला वही है।